अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम मराठों की जंग आज़ादी इस सबक से छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के दोनों बेटों में छत्रपति संभाजी महाराज बड़े बेटे थे। वो 14 मई 1675 को पुरंदर के किले में पैदा हुए। शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज छत्रपति बने, यानी के राजा बने। इसी ज़माने में मराठों और मुगलों के दरमियान लड़ाइयाँ जारी थी। इन्हीं हालात में शहंशाह औरंगज़ेब के बेटे अकबर ने अपने वालिद के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और वो संभाजी महाराज की पनाह में आ गया। इसी वजह से शहंशाह औरंगज़ेब 1682 को जुनूबी भारत की जानिब आए। इनके साथ बेशुमार फौज और ताकतवर तोपखाना था। जंजीरा के सिद्दी और पुर्तगालियों को भी शहंशाह औरंगज़ेब ने अपने साथ मिला लिया। संभाजी महाराज को बचपन ही से लश्करी मुहिमों और मुल्की कामकाज की तालीम दी गई थी। उम्र के 14वें बरस से ही मुल्की कामकाज में अमल दखल रखते थे और कई मर्तबा मुगलों और आदिलशाही हुकूमत के खिलाफ हमला आवर हो चुके थे। प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी सैया एबे कैरे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में लिखता है कि ये वली अहद कमसिन होते हुए भी हौसलामंद और अपने बाप के शानाए शान बहादुर है। प्यारे बच्चों, हम इससे पहले अजबाक में मुगलों से लड़ाई के बारे में पढ़ चुके हैं। संभाजी महाराज के छत्रपति बनने के बाद मुगलों से मराठों की लड़ाई में शिद्दत आ गई। मुगल शहंशाह औरंगज़ेब का मकसद काबुल, जो के आज अफगानिस्तान में है, वहां से भारत के कन्याकुमारी तक मुगलों का इक्तदार यानी हुकूमत कायम करना था। और शहंशाह औरंगज़ेब का ख्वाब था कि अपनी अजीम फौज और माली ताकत की बिना पर मराठों की हुकूमत को ख़त्म कर दे। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी बहादुरी और जंगी महारत से इस ख्वाब को पूरा ना होने दिया। प्यारे बच्चों, छत्रपति संभाजी महाराज की फौजी टुकड़ियां मुगल इलाकों पर हमला आवर होती रहती थी। नासिक के करीब मराठों के रामसेज किले को शहंशाह औरंगज़ेब की फौज तवील अरसे से फतेह करने की कोशिश कर रही थी, मगर मुगल फौज इसमें नाकाम रही। इसी वजह से शहंशाह औरंगज़ेब छत्रपति संभाजी महाराज से तंग आ गए थे।